तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है गाइस। इस वीडियो में हम Xiaomi का अभी लॉन्च होने वाला Xiaomi Redmi K30 इस फोन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए। तो जो ये Redmi K30 ये फोन लॉन्च होने वाला है तो 2019 में ही आने वाला है, ऐसे कुछ रूमर्स निकल के आ रहे हैं। बट ऐसे नहीं होगा, ये 2020 में आएगा, इस साल में नहीं आने वाला है, अगले साल में आएगा। तो फोन दिखने में अच्छा है, ओवरऑल बेस्ट दिखता है। सामने की तरफ आपको डुअल पंच होल कैमरा देखने को मिलता है, बैक साइड में 4 कैमरा मिलते हैं। तो दिखने के मामले में ओवरऑल फोन डिसेंट है, अच्छा है, नो डाउट आपको ये पसंद आएगा। इसका वेट 200 ग्राम के आसपास आपको मिलने वाला है और इसमें आपको एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा, साथ में ही MIUI 11 मिलने वाला है। तो चलिए इसके डिस्प्ले के बारे में बात करते हो तो इस फोन में आपको 6.66 इंच का FHD+ डिस्प्ले मिलता है। इसका रिजोल्यूशन 1080x2340 पिक्सल होने वाला है। इसमें PPI पिक्सल पर इंच 387 मिल जाता है। दोस्तों इसमें आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की, जो कि अच्छी है, अभी के टाइम पे सबसे बेटर है। और सारे ही फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। HDR को सपोर्ट करता है ये डिस्प्ले अच्छे, और इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है दोस्तों। तो अभी जो नॉर्मली हमारे फोन है उसमें 60 हर्ट्ज रिफ्रेश आता है, अभी के जो फ्लैगशिप लेवल के 30,000 के ऊपर के फोन आ रहे हैं उसमें आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि अभी Realme X2 लॉन्च हुआ था उसमें भी 90 हर्ट्ज है। तो इसमें आपको 120 हर्ट्ज मिलने वाला है, मतलब डिस्प्ले आपका बहुत फास्ट तरीके से वर्क करेगा, आपको अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। और डिस्प्ले में आपको डुअल सेल्फी कैमरा मिल जाता है, नो डाउट आपको डिस्प्ले के बारे में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो इस फोन में आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 730G 8 नैनोमीटर वाला ये प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है। 8 नैनोमीटर होने की वजह से इसमें आपको बैटरी बहुत सेव हो गई, ज्यादा बैटरी यूज नहीं करेगा, पावर इफिशियंट प्रोसेसर है दोस्तों। बट इसमें अगर 730G देने के अलावा इसमें आपको 855 ये प्रोसेसर दिया होता तो बहुत अच्छा होता दोस्तों, क्योंकि अभी जो K30 फोन है ये अंडर 20,000 आएगा या फिर 20,000 के थोड़ा बहुत ऊपर आ सकता है। जो लॉन्च हुआ था पोको F1 उसमें आपको अंडर 20,000 855 प्रोसेसर मिलता है, तो इसमें क्यों ना दे उन्होंने, तो ये सोचने वाली बात है। इसमें भी आपको 855 प्रोसेसर देना चाहिए था जो कि उन्होंने नहीं दिया है। इससे अच्छा प्रोसेसर है दोस्तों 730G से, लगभग इन दोनों प्रोसेसर को आप कंपेयर कर दे तो उसमें आपको 25-30% से भी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको 855 में मिलेगी। तो इतना बेटर परफॉर्मेंस है उस प्रोसेसर का, तो इसमें उन्होंने देना ही चाहिए था दोस्तों, बट 730G ये देने वाले हैं ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं। ये भी प्रोसेसर डिसेंट है, अच्छा नहीं बोलूंगा डिसेंट है, क्योंकि ये फोन 20,000 पे आता है तो डिसेंट ही प्रोसेसर है, अच्छा नहीं है। हाँ, उससे कम अगर प्राइस 15 या फिर 17,000 प्राइस होती तो ये अच्छा प्रोसेसर होता। इसमें कोई भी SD कार्ड के लिए स्लॉट नहीं मिलता है। इसमें आपको दो वेरिएंट मिलेंगे, 6GB 64GB 8GB 128GB, और जैसे मैंने बताया इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 मिलेगा, साथ में MIUI 11 भी मिलने वाला है। कैमरे की बात करूं तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलने वाला है बैक साइड में, 64MP का इन्होंने कैमरा देने वाले हैं दोस्तों इस फोन में। तो अभी Xiaomi का MI Note 10 आने वाला है तो उसमें आपको 108 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है और इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का सेंसर दिया है। सैमसंग का भी ऐसे ही फोन आने वाला है 108 मेगापिक्सल के साथ, तो इन्होंने भी इस फोन में आपको वही सेंसर देना चाहिए था 108 मेगापिक्सल वाला, बट नहीं मिलता है, आपको इसमें 64 ही मिलता है। 64 मेगापिक्सल का सेंसर 1.8 अपर्चर के साथ आता है। सेकंड आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिलती है 8MP की। थर्ड आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है ऑप्टिकल 2x जूम के साथ। फोर्थ कैमरा डेप्थ सेंसर के लिए मिल जाता है अपर्चर 2.4 के साथ। साथ में आपको डुअल LED फ्लैश मिल जाती है, HDR का सपोर्ट होने वाला है, पैनारोमा का सपोर्ट मिल जाता है, और इसमें आप वीडियो कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो। और सेल्फी की बात करूं तो इसमें आपको डुअल सेल्फी मिल जाती है 20MP की 2.2 अपर्चर के साथ। सेकंड कैमरा 2MP का होने वाला है डेप्थ सेंसर 2.4 अपर्चर के साथ। HDR का सपोर्ट मिल जाता है और 1080p पे आप 30fps पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इस फोन में आपको 3.5mm का हेडफोन जैक देखने को मिलने वाला है। फोन में आपको 4500mAh की बैटरी मिल जाती है। इसमें आपको फास्ट चार्जर मिल जाता है 27W का, तो ये आपका फोन बहुत फास्ट तरीके से चार्ज करने वाला है, बैटरी के मामले में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि MIUI में आपको बहुत पावर इफिशियंट UI मिल जाता है, तो नो डाउट आपकी बैटरी सेव होगी, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको बैटरी के मामले में। इस फोन में कनेक्टिविटी के बारे में बात करो तो वाईफाई मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5 मिल जाता है, GPS 1 ग्लोनस का मिल जाता है, NFC आपको मिलने वाला है, इंफ्रारेड पोर्ट होगा, ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं दोस्तों, कंफर्म नहीं है इंफ्रारेड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा।
रेडियो FM रेडियो मिलने वाला है और इसमें आपको टाइप सी पोर्ट मिलने वाला है फास्ट चार्जिंग के लिए और USB कनेक्टिविटी के लिए। सेंसर्स के बारे में बात करूं तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट मिलने वाला है, इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है, साइड में मिल जाता है दोस्तों फोन के साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर। एक्सेलेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास, एम्बिएंट लाइट, ये सारे सेंसर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो रूमर से दोस्तों ऐसे भी निकल के आ रहा है कि इसकी प्राइस आपको लगभग 23,000 से 24,000 तक मिल सकती है। तो अगर इस प्राइस पे ये लॉन्च होता है तो ज्यादा नहीं चलेगा। और जैसे ही हमारे K20 इस फोन ने धमाका किया था उस तरीके से इस फोन का सेल नहीं होने वाला है दोस्तों, गारंटीड, बिकॉज इस फोन में उतने अच्छे फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं जैसे K20 में आपको मिले थे। और प्राइस रेंज के हिसाब से बात करूं तो इसमें आपको प्रोसेसर उतना कुछ खास नहीं मिलता है। अगर एक्चुअल में जो फोन निकल के आता है उसमें आपको अलग कुछ मिल जाता है तो उस टाइम पे बात अलग हो सकती है दोस्तों, बट अगर इस तरीके से आपको फीचर्स मिलते हैं तो नो डाउट ये फोन नहीं चलेगा ज्यादा मार्केट में।